हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो आज के वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कि मसल गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जिनकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा कम है, न्यूट्रिशन जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में मेंटली और फिज़िकली जो रिटार्डेड हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिशन जो है वो नहीं जा पा रहा है, एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है। तो ये टॉनिक जो है बच्चों से लेके बूढ़ों तक दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस टॉनिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन डली हुई हैं जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी नींद में भी दिक्कत आ रही है, आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम आ रही है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, गैस जो है वो बन रही है, खाना आप खा रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है आपको डाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और जी जो है आपका मिचलाता है बहुत ज़्यादा, पेट में बार बार गैस बनती है, स्ट्रेसफुल लाइफ है अगर आपकी बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चला आ रहा है, किसी ओवरवर्क की वजह से जो है आप मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्टेड हो गए हैं, तो ये टॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट टॉनिक रहेगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी होम्योपैथी टॉनिक के बारे में और उसमें ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथी के लोथ्स के अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक के बारे में। दिस इज़ इम्यूनिटी एंड एनर्जी बूस्टर। ये टॉनिक उनके लिए बहुत हेल्पफुल है हु वांट्स टू गेन वेट, जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, और बच्चों के लिए जिनकी रिटार्डेड ग्रोथ है, जो कि पुअर डाइजेशन है, भूख नहीं लग पाती है जिन बच्चों को, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो हैं जिनके हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, नर्वस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है, तो उन बच्चों के लिए भी ये टॉनिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें ऐसी मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन की कंपोजिशन डली हुई हैं जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले मेडिसिन की, जो है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा जो है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, अगर आपकी एपिटाइट जो है, भूख जो है बहुत कम लग रही है, उसे टोन अप करने में हेल्प करती है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है, और इसके साथ साथ ये मसल और वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है एवीना सटाइवा। एवीना सटाइवा का बहुत अच्छा रोल है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे, बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसके साथ साथ बहुत, अगर हमें बहुत अब लंबी बीमारी से उठे हैं और उस बीमारी के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, वीकनेस आ रही है आपके अंदर, तो ये टॉनिक आपको रिगेन करने में, रिबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो उसमें है वो है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव वीक मस्कुलर पावर, जिसकी जो मस्कुलर पावर है बहुत ज़्यादा वीक है, डाइजेशन बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क से ईजिली टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, जो कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, और इसके साथ साथ जिससे मस्कुलर पेन रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो लोग शिकायत करते हैं नेक की तरफ, शोल्डर में या यहाँ पे पेन रहता है, पूरे स्कैल्प के पीछे ऑक्सीपिट रीजन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, हाइड्रेस्टिस उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है नेट्रम्फोस। नेट्रम्फोस जो है वो एंजाइम बैलेंस जो है उसे रिस्टोर करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, एसिडिटी बार बार बन रही है, गैस बार बार बन रही है, एब्डोमेन जो है, स्टमक जो है ब्लॉटेड हो गया, बाहर की तरफ आ गया है, गैस जो है वो पास नहीं हो पा रही है, तो नेट्रम्फोस उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है वो है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यंग पीपल हैं, जो यंग यूथ है उनके लिए, जो कि मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हैं, स्ट्रेसफुल हैं,
तो एसिड फोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैल्केरिया फोर्स। कैल्केरिया फोर्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार बताई है, जैसे ये टीथ के और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जिनको स्पेशली जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप देखा होगा कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, उनको वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे पर, स्पेशली चेहरे पर, हाथ पे भी आ जाते हैं। तो वो जो वाइट स्पॉट होती है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो जो कैल्केरिया फोर्स है, प्रोटीन और कैल्शियम डेफिशिएंसी दोनों को ही इम्प्रूव करती है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, जिनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, कैल्केरिया फोर्स वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ जो आपको टीथ में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली बच्चों को जो है दांत टूट जाते हैं, दांतों में दर्द रहता है, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो कैल्केरिया फोर्स का इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट इज काली फोर्स। इन होम्योपैथी काली फोर्स इज बिलीव टू बी नर्व न्यूट्रिएंट। जिनको ये काली फोर्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट जो है काम करती है, इसलिए इसको होम्योपैथी में नर्व न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। काली फोर्स में जिसको लैक ऑफ स्टैमिना है थ्रू आउट द डे, जो स्टैमिना है, जिसको एनर्जी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज जिनकी न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर है, न्यूट्रिशन जो है स्लो है, ठीक है, भूख नहीं लग पाती है, और ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, जिसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो चुका है मेंटली, तो उसको रिस्टोर, उसको रीगेन करने में हेल्प करता है काली फोर्स। नेक्स्ट मेडिसिन इज फेरम फोर्स। फेरम फोर्स जो है ये एक मिनरल कंपाउंड से बनी होती है। होम्योपैथी में इसे आयरन टॉनिक के नाम से जाना जाता है। आयरन टॉनिक के नाम से क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उन्हें बिल्ड करने में हेल्प करती है। ब्लड सेल्स जो हैं उन्हें बनाती है, हमारी बॉडी को आयरन प्रोवाइड करती है, इसलिए जो फेरम फोर्स है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है मैग फोर्स। मैग फोर्स जो है ये एक मिनरल सप्लीमेंट है। मिनरल सप्लीमेंट है तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। हमारी मसल्स जो हैं, हमारी नर्व्स जो हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके हमारे अंदर जो एनर्जी जो वेस्ट हुई है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट और जो लास्ट चीज़ इसमें डली हुई है वो है सोमनीफेरा। सोमनीफेरा जो है वो हमारी वाइटलिटी जो है, एनर्जी जो है, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है, जो कि पीपल, जो पर्सन्स हैं जिनको ओवरवर्क की वजह से जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम है और उसकी वजह से स्ट्रेस जो ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जिनको चला रहा है, तो उसको रिगेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये एक आयरन सप्लीमेंट भी है, आयरन टोनिक भी है, तो ये जो हमारी लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं, अनीमिया जैसी जो बीमारी है उसको भी ठीक करने में यूज़फुल है। तो ये जो सारी मेडिसिन हैं ये इस अल्फ़ा अल्फ़ा सिरप में डली हुई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन मेडिसिन का हमारी बॉडी पर कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट है। तो ये टॉनिक अब मैं बात कर लेती हूँ आपको कैसे और कब लेना है। तो सबसे पहले मैं अगर एडल्ट्स की बात करूँ, बड़े जो लोग हैं उनको ये रात को दूध के साथ लेना है। इसको आप 2 से 3 टाइम ले सकते हैं स्टार्टिंग में, बट अगर रात को उसको दूध के साथ आप 2 चम्मच सिर्फ आपको दूध में लेनी है, और अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूं तो उनको 1/2 चम्मच या 1 चम्मच आप दूध में डाल के दीजिए। सुबह भी आप ले सकते हैं और शाम को भी, 2 टाइम इसको आप लें, और 1 मंथ तक कंटिन्यू यूज़ में आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखेंगे। आपकी जितनी भी दिक्कत हो रही है वो धीरे धीरे रिस्टोर होती रहेगी। जो आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, आपकी जो बच्चे हैं उनको पुअर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, मेंटली जो है बच्चे रिटार्डेड हैं, फिजिकली रिटार्डेड हैं, न्यूट्रिशन जो है अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और जो बड़े लोग हैं जो मसल्स, जो वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये सिरप उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो इसके रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।